हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो पति की समृद्धि के लिए, उनकी नौकरी में उनकी तरक्की हो, इसके लिए हमें कौन से दिन मतलब बाल नहीं धोने चाहिए। मतलब तो कई दिन ऐसे होते हैं जब हम बाल धो लेते हैं तो हमारे पति की जो नौकरी उसमें तरक्की नहीं होती या हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती। तो इसके लिए हमें थोड़े से नियम जो हैं उनको अपने ऊपर लागू करना चाहिए। तो जैसे कि हम कई बार नहीं मानते हैं कई जने इस बातों को कि बृहस्पतिवार को भी धो लिया या मंगलवार को भी धो लिया से मतलब बाल धोना। तो ऐसा दिन ध्यान रखें आप, और आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप लिख के अपने किचन में या कहीं भी उसको लगा लें, कागज में लिख के उसको चिपका दे, और कहीं भी जहाँ आप दिन भर बैठी हैं आपको ध्यान रहेगा कि हाँ आज ये काम नहीं करना है हमें। तो इसके लिए मैं बताती हूँ कौन कौन से दिन हमें बाल नहीं धोने हैं। तो अमावस्या के दिन आप बाल नहीं धोएं, कभी भी अमावस्या के दिन बाल नहीं धोएं। इससे क्या है, हमें पितृदोष लगता है, और पितृदोष लगता है तो फिर सारी ही कमियाँ हमारे घर में आ जाती हैं, हर तरह के दुख आ जाते हैं घर में। पैसा ज़्यादा खर्च होता है या पैसा आता ही नहीं है, तो जहाँ पितृदोष होगा तो वहाँ बहुत सी हमें परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो अमावस्या के दिन आप कभी भी सिर नहीं धोएं। दूसरा है एकादशी। एकादशी के दिन भी आप मतलब अपने सिर के बाल नहीं धोएं। इससे क्या है कि जितने भी हम व्रत करते हैं वो निष्फल हो जाते हैं, तो एकादशी को बाल नहीं धोएं। अच्छा, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है, इस दिन भी आप बाल नहीं धोएं। जो बृहस्पतिवार का व्रत करता है वो तो बिल्कुल भी ना धोए, साबुन नहीं लगाए, हाथों को भी पहले के जो हमारी मम्मी वगैरह होती थी वो हाथों को भी मिट्टी से साफ करती थी या राख से साफ करती थी, साबुन नहीं लगाती थी। जिस दिन व्रत करती थी बृहस्पतिवार का, उस दिन साबुन नहीं लगानी है, बिल्कुल भी कपड़ों में भी नहीं लगानी है, और झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना है। उस दिन झाड़ू लगा लें आप, झाड़ू तो लगानी पड़ती है, घर गंदा होता है, तो पोछा नहीं लगाएं। और एक रात के वक्त तो बिल्कुल भी झाड़ू ना लगाएं। जब दिया बाती का टाइम होता है तो कई लोग दिया बाती के टाइम भी झाड़ू लगाते रहते हैं या सफाई करते रहते हैं, तो इससे आपके घर की लक्ष्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लक्ष्मी नहीं आती। वही एक टाइम होता है जब हमारे घर में लक्ष्मी आती है, तो बाहर हम इसीलिए बाहर की लाइट जलाते हैं, हम अंदर की सारी लाइटें जलाते हैं या अगरबत्ती करते हैं भगवान को। तो रात को ना तो आप बाहर अंधेरा रखें और ना ही झाड़ू वगैरह लगाएं, तो उससे भी आपके घर में बरकत बनी रहेगी। तो बाल धोने की बात चल रही थी, तो बाल धोने नहीं चाहिए हमें। मंगलवार और गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए, कोई ज़्यादा ही कोई ज़रूरत हो जाए तो धो लें, लेकिन अक्सर नहीं धोएंगे। आप वो दिन ही चुने रखें तो वो दिन नहीं चुने, आप बुधवार को धो लें बाल वगैरह, सोमवार को भी धो सकते हैं, तो शनिवार को भी बाल नहीं धोते हैं, शनिवार को भी नहीं धोने चाहिए बाल। और जो है रात को बाल नहीं धोएं, या फिर आपके पति जैसे गए हैं सर्विस के लिए, नौकरी के लिए, तो उसके जाते ही आप बाल बाल ना धोएं बिल्कुल भी। इससे क्या है कि लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है हमारे, तो जब भी आप बाल नहीं धोएं। अच्छा, पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में हम चौथे दिन शुद्ध माने जाते हैं, लेकिन नहीं होते हैं शुद्ध, तो कई लोग पाँच दिन में शुद्ध हो जाते हैं, कई सात दिन भी नहीं होते हैं। तो आप सात दिन बाद भी सिर धो लें, एक बार चार दिन बाद धो लें, एक बार सात दिन बाद भी धो लें, बिल्कुल शुद्ध होके फिर ही पूजा करें, नहीं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। एक तो पति के जाते ही, घर से बाहर जाते ही बाल नहीं धोने चाहिए, रात को बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। शाम के वक्त कई लेडीज़ बाल धो लेती हैं कि चलो धोने टाइम नहीं मिलता है या कुछ है, तो आपको रात के वक्त तो सिर नहीं धोना है। और वापस रिपीट कर देती हूँ, अमावस्या के दिन सिर नहीं धोना, एकादशी के दिन नहीं धोना। अमावस्या के दिन धोती हैं तो पितृदोष लगता है, एकादशी को धोती हैं तो सारे आपके व्रत निष्फल हो जाते हैं। गुरुवार, शनिवार, मंगलवार को धोती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। पति के जाने के बाद आप बाल नहीं धोएं तब भी लक्ष्मी रुष्ट होती है, आपके घर में कंगाली आती है, क्योंकि पति की तरक्की नहीं होगी। और जब हम पीरियड से होते हैं तो हमें चार दिन बाद तो एक बार धोना ही है, लेकिन जब तक हम पूरे शुद्ध नहीं हो जाए तब तक पूजा गृह में न जाए,
और इन बातों का, छोटी छोटी बातें हैं ये, इनका आप पूरा ध्यान रखें तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके पति की सर्विस में तरक्की होगी, घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी रहेगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।